हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 4 पाइथन लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जो कि टर्म 1 में आ सकते हैं एंड उनके आंसर्स हैं कैसे हैं वो भी, उसके बारे में भी बात की जाएगी। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम मॉड्यूल फंक्शन जनरेट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब आपको पता होना चाहिए रैंडम, यूनिफॉर्म एंड रैंडम, ये तीनों के तीनों जो फंक्शंस हैं ये रैंडम मॉड्यूल का पार्ट हैं, मगर जो रैंड इंट है ये वैल्यू जनरेट करता है इंटीजर फॉर्म में। रैंडम का आंसर आता है 0 से 1 के बीच में, मींस इट शुड डिस्प्ले 0 point something, और यूनिफॉर्म जो है दो वैल्यूज़ के बीच में हमें वैल्यू देता है, लेकिन वैल्यू विद पॉइंट्स होती है। मतलब रैंड इंट और यूनिफॉर्म एक जैसा काम करते हैं, मगर रैंड इंट में आंसर हमेशा इंटीजर में आएगा, यूनिफॉर्म में आंसर हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। मैंने मार्क नहीं करा, मार्क कर देते हैं। मिन 359 को मतलब, अब देखिए यहां पे दो लिस्ट में से मुझे मिनिमम फाइंड करना है, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, ये पहली लिस्ट के पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से कंपेयर कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से छोटा है, तो वो पहले वाली लिस्ट को ही सही मानेगा, मिनिमम मानेगा। हालांकि इसमें 9 भी है, मगर वो 9 तक जाएगा ही नहीं। इंपोर्ट मैथ इंपोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट रैंडम का काम है, मैंने पहले बताया 0 point something जनरेट करना। सपोज इसने जनरेट करा 0.59, आई एम गिविंग वन एग्जांपल ओनली। मैथ डॉट सील, अब सील फंक्शन का काम होता है दो वैल्यूज, अगर कोई हमारी पॉइंट वाली वैल्यू है तो वो किस इंटीजर वैल्यूज के बिटवीन है उसका हायर एंड। मान लीजिए मेरी वैल्यू 1.2 है, 1.2 जो है 1 and 2 के बीच में है, तो इसका सील होगा 2। तो सिमिलरली रैंडम का काम है 0 से 1 के बीच में वैल्यू जनरेट करना, तो ऑब्वियस है वैल्यू का जो अपर एंड है वो 1 होगा, तो इसका आंसर 1.0 होना चाहिए। पावर 3.4, 3 की पावर 4 का आउटपुट क्या आएगा, तो ऑब्वियस है 81 आएगा। अब पाइथन प्रोग्राम एंड पाइथन मॉड्यूल हैव सेम डॉट वाई फाइल एक्सटेंशन। हाँ, एक्चुअली हम लोग पाइथन प्रोग्राम को पाइथन मॉड्यूल बोल सकते हैं, तो उनका एक्सटेंशन भी डॉट पी वाई ही होगा, इसका आंसर ट्रू है। हैश डॉट ज्वाइन, हेलो कोमा पाइथन कोमा वर्ल्ड, ज्वाइन फंक्शन स्ट्रिंग वैल्यूज के बिटवीन, ये स्ट्रिंग जो सब स्ट्रिंग जो सिंबल अटैच कर देगा कुछ इस तरह से, सिंगल हैश है तो इसका आंसर ये बताएगा, हेलो हैश पाइथन हैश वर्ल्ड। मैक्स, ये भी जैसे मीन वाला किया वैसा ही है, इसमें वो पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से कंपेयर करेगा, तो ऑब्वियस है कि 7 बड़ा है, तो 7 इज द आंसर। पाइथन प्रोग्राम एंड अ पाइथन मॉड्यूल मीन्स द सेम। हाँ, मैंने पहले बताया कि प्रोग्राम और मॉड्यूल एक आप कह सकते हैं फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन डॉट पी वाई होता है, तो उसको हम सेम ही मानेंगे। इंपोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट रैंड इंट का मतलब है ये वैल्यू को जनरेट करेगा 2 से 4 के बीच में, और str उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, पहली वैल्यू जो है वो 2 है, मीन्स तीनों ऑप्शन वैलिड है मेरे। अब उसके बाद एंड इज इक्वल टू, ये सिंगल कोट स्टार्ट करने का मतलब है कि अगली लाइन का आउटपुट भी सेम लाइन में ही आएगा। अब देखिए ऑफकोर्स यहाँ भी सेम है, तो वैल्यू जो होगी वो 2, 3 या 4 ही होनी चाहिए, तो पहला केस गलत हो गया क्योंकि 6 नहीं आ सकता, ये भी गलत है 5 नहीं आ सकता, ये पहले रॉन्ग था, तो इसका आंसर 2, 3 आएगा। पहली आउटपुट के लिए 2, दूजी के लिए 3। मैक्स 3, 5, दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो आंसर इज 5। अब पाइथन मॉड्यूल हैज डैश एक्सटेंशन, ऑफकोर्स पी वाई, पहले मैंने बताया कि मॉड्यूल प्रोग्राम दोनों सेम होते हैं, एक्सटेंशन पी वाई होता है। An independent triple quoted string given inside a module containing documentation related information is documentation string बोलते हैं। हम triple quotes के अंदर कुछ लिखते हैं किसी program के अंदर, module के अंदर, जो कुछ information provide करे about the module or the function, उसे हम documentation string बोल सकते हैं। Max
3597 ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसमें से जो सही आंसर है वो 7 होगा। ये भी लिस्ट है, ये भी लिस्ट है। ABS -12.4 एब्सोल्यूट का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, तो -12.4 की जगह 12.4 आएगा। अ डॉट py फाइल कंटेनिंग कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स क्लासेस फंक्शन एट्सेट्रा रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क एंड कैन बी यूज्ड इन अदर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड मॉड्यूल। हालांकि हम इसे प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि हम उसे दूसरे प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं। सो मॉड्यूल्स को हम दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर मॉड्यूल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम मॉड्यूल फंक्शंस जनरेट्स एन इंटीजर, इनमें से कौन कौन से फंक्शंस इंटीजर वैल्यू को जनरेट करते हैं। रैंडम और यूनिफॉर्म के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, इन दोनों के आंसर्स आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में। तो रैंडइंट ही एक फंक्शन है जो इंटीजर वैल्यू को जनरेट करेगा। 12 स्ट्रिंग है, इंट लगाने से यू स्ट्रिंग वैल्यू 12 हो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आंसर आएगा 12। रेंज 3 विल गिव सीक्वल आउटपुट, रेंज 3 का मतलब है ये वैल्यू जनरेट करेगा 0, 1 एंड 2। इंपोर्ट रैंडम, ये मैंने लिस्ट ले लिया। रैंडम डॉट रैंडइंट 1, 3 मतलब जो फ्रॉम की वैल्यू है वो 1 से 3 के बीच में कुछ हो सकती है और 2 की वैल्यू 2 से 4 के बीच में कुछ हो सकती है। तो मैंने मान लिया कि सपोज इसकी वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू 4 है, इसका मतलब जो मेरी आउटपुट आएगी वो आएगी, देखिए आप यहाँ पे क्या करा, 4 की रेंज फ्रॉम 2+1, मान लो फ्रॉम मैंने 1 है तो मतलब स्टार्ट होगा 1 से, एंड 2+1 2 मैंने 4 मान लिया, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, तो 2+1 मतलब 4+1 5, मतलब जो रेंज चलेगी 1, 2, 3, 4। सो AR1 30 है, AR2 40 है, 50 है, 60, मतलब मेरा आउटपुट जो है 30, 40, 50, 60 आ सकता है। कैसे, 30 हैश 40 हैश 50 हैश 60 हैश। देखिए अब मेरा दूसरा वाला ऑप्शन वैलिड होना चाहिए, 1, 2, 3, हाँ दूसरा वैलिड हो सकता है। एंड उसके अलावा मेरा थर्ड वाला ऑप्शन भी वैलिड हो सकता है, क्योंकि अगर इसको मैं 3 मान लूँ तो 1 AR1 AR2 AR3, ये तीनों आ सकते हैं, तो ये अगला ऑप्शन भी वैलिड होना चाहिए। 25 टाइप, टाइप बताता है कि 25 किस टाइप की वैल्यू है, तो ऑफ कोर्स इंटीजर है तो आप इंटीजर कर सकते हैं। स्टेटमेंट फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट ऑब्जेक्ट इज यूज टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल इन फुल, देखिए जैसे मैं लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, मॉड्यूल मैथ हो गया, SQRT ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करता, ये सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करेगा, तो इसका आंसर जो आएगा फॉल्स होगा। ये फुल नहीं करता, ओनली उसी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करेगा जिसका नाम लिखा गया है। 12.2 स्ट्रिंग वैल्यू है, आगे फ्लोट लगाने से ये स्ट्रिंग वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये आंसर राइट है। ABC स्ट्रिंग है, एलियन फंक्शन उसका बताएगा उसमें कितने करेक्टर्स हैं, तो 1, 2, 3 देर आर 3 करेक्टर्स, तो लेंथ इज 3। यूनिफॉर्म फंक्शन इज पार्ट ऑफ डैश मॉड्यूल, यूनिफॉर्म फंक्शन रैंडम मॉड्यूल का पार्ट है। डबल स्टार डॉट ज्वाइन हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिस्ट का पार्ट है, स्ट्रिंग्स है, इसका आंसर आएगा हेलो डबल स्टार वर्ल्ड, तो पहला वाला सही आंसर है, स्टार डॉट ज्वाइन हेलो। अब ये क्या करेगा, हेलो जो स्ट्रिंग है उसके जो करेक्टर्स हैं अल्फाबेट्स हैं उनके बिटवीन स्टार लगा देगा, तो थर्ड इज द राइट आंसर। आई लव पाइथन डॉट स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन लिस्ट के स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को, स्ट्रिंग की स्ट्रिंग वैल्यू को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा डिपेंडिंग ऑन स्पेसेस, जैसे कि इसका आंसर आएगा ये वाला, पहला जो अल्फाबेट आई है वो जाएगा एज अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट, दूसरा वाला दूसरा एलिमेंट, तीसरा वाला तीसरा एलिमेंट। डिव मोड 7.2, डिव मोड का काम है 7 को 2 से डिवाइड करेगा, जो क्वोशेंट है वो पहले आएगा, रिमाइंडर बाद में आएगा, तो इसका आंसर इस तरह से आएगा, क्वोशेंट इज 3, रिमाइंडर इज 1। आई लव पाइथन डॉट स्प्लिट ओ, यहाँ भी ओ आ गया, ये वहीं से स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा ओ के बेसिस पे, जिसका जो आंसर है वो ये वाला है, पहला ओ आया तो वहाँ पे ब्रेक होगी स्ट्रिंग, अगला आया वहाँ फिर ब्रेक होगी, तो दिस इज द राइट आंसर। सो इस तरह से मैंने आपको क्लास 12 चैप्टर 4
पाइथन मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज के कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताया है, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।